हेलो गाइस, मैं हूं आसिफ इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिलहाल मैं हूं स्टैमफर्ड स्टेशन पे और इस व्लॉग में मैं आपको यहां की ट्रेन राइड दिखाऊंगा और आपको मैं द फेमस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दिखाऊंगा। आपको पता है काफ़ी आइकॉनिक है, आपने बहुत सारे मूवीज़ में इसको देखा होगा। तो इस व्लॉग में मैं आपको वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं हम लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो गाइज़, क्या आप जानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हब नहीं है, वहाँ पे ईटरीज भी है, कैफ़ेज़ भी है, शॉपिंग मॉल्स भी है। इट्स ह्यूज, इट्स आइकॉनिक एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड न्यूयॉर्क अट्रैक्शंस। तो गाइज़, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं ट्रेन लगी हुई है, दोनों तरफ ट्रेन है मेरे। तो आइए आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ क्या है, कैसा है यहाँ का स्टेशन। गाइस आप देख सकते हैं, दैट्स द फ्रंट ऑफ द ट्रेन। तो फाइनली गाइस, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उतर चुका हूँ। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, इट्स रिटन ट्रैक्स 100 to 117। आई मीन यहाँ कितने सारे ट्रैक्स हैं आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी ट्रैक्स हैं जहाँ पे ट्रेन को स्टोर भी किया जाता है, और ये अपर लेवल में भी है और लोअर लेवल में भी है। और यहाँ पे सिर्फ स्टेशन ही है, यहाँ पे आपको मेरे पीछे शॉप्स दिख रहा होगा वेर इन यू कैन गो एंड बाय स्टफ्स। तो यहाँ पे राउंड अबाउट 60 शॉप्स है और 34 डाइनिंग इटरीज है यहाँ पे। तो ये देखिए, जस्ट सी दिस नंबर्स, देयर आर सो मेनी ट्रैक्स हियर, 113, 114, 115, और पता नहीं कितने सारे ट्रैक्स हैं यहाँ पे। जस्ट हैव अ व्यू ऑफ दिस। आप देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ ये बना हुआ है। और इसको बोलते हैं विस्परिंग कॉर्नर। और ये आर्किटेक्ट इतना अमेजिंग है कि अगर आप एक कॉर्नर पे विस्पर करेंगे तो दूसरे कॉर्नर से आप इसको सुन सकते हैं। दिस इज अ वेटिंग एरिया फॉर दिस लेवल। तो आइए ऊपर चलते हैं। दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ब्यूटीफुल। सो आई डोंट, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक एप्पल स्टोर भी है एंड दैट इज द फेमस क्लॉक ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये आपने हर मूवीज में देखा होगा। एंड गाइस, इस क्लॉक की कीमत है $20 million, विच इज अबाउट 150 crores इंडियन रुपी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने एप्पल लोगो क्राफ्टेड है। एप्पल हर जगह अपनी छाप छोड़ देता है। आइए एक झलक लेते हैं हम लोग एप्पल स्टोर की। सो दिस एप्पल स्टोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज वन ऑफ अ काइंड। आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन है, यहाँ पे वॉक इन कर सकते हैं आप डायरेक्टली। दैट इज एप्पल स्टोर देयर, एंड यू कैन यू नो जस्ट वॉक इन। दिस इज एक्चुअली अ स्टेशन, यहाँ पे एप्पल स्टोर ऐसे खुले में आईफोन्स रखे हुए हैं यहाँ पे। What a view, guys! आपको कुछ याद आ रहा है देख के? So tell me in comments, कौन कौन सी movies आपको याद आ रही है?
ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल देख के। आई कैन रिकॉल स्पाइडरमैन, रैकेट रैल से आई थी। और ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल पेंटिंग्स ऑफ स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। इनफैक्ट बहुत सारा पेंटिंग्स गोल्ड लीफ से किया हुआ है। और इस पेंटिंग की खासियत ये है कि एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव नहीं, एक डिवाइन पर्सपेक्टिव से इसको ड्रॉ किया गया है, यानी कि आप इसे ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से नहीं। काफी सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो एन अट्रैक्शन इन न्यूयॉर्क। काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, इसका मजा लेते हैं, दिस मार्वल आर्किटेक्ट, अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस। तो आइए हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं बाहर से कैसा दिखता है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वेलकम टू ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। सो गाइज, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू।